अब तक 12 मार्च को लोक अदालत जो आयोजित की जा रही है उसमें मामलों को चिन्हीकरण की प्रक्रिया चल रही है, और अब की बार जो विशेष तौर से राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है उसमें दो नए नवाचार किए जा रहे हैं। एक है डोर स्टेप काउंसलिंग। डोर स्टेप काउंसलिंग का मतलब यह है कि विशेष प्रकार के मुकदमे जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित है या पर्टिकुलर नेचर से संबंधित है, उनको सबको एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ले जाकर उनके संबंध में पब्लिक लार्ज को समझाया जाए, उनके डोर स्टेप पे जाके, उनके या तो पंचायत मुख्यालय पे जाके या पंचायत समिति मुख्यालय पे जाके या उनके मोहल्ले में जाके, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो वो डोर स्टेप काउंसलिंग का कंसेप्ट अब की बार उसको इनोवेट किया गया है। दूसरा है प्री काउंसलिंग। प्री काउंसलिंग में अदालत खुद लोक अदालत से पहले ही पक्षकारों को बुला के और उनकी प्री काउंसलिंग करती है, जिसमें उनकी कंसेंट मिल जाती है। अगर कंसेंट नहीं मिल पाती है तो उसमें फिर प्रयास किए जाते हैं, काउंसलर बिठा दिया जाता है। तो बार बार उसको क्या है कि दो दो चार दिन लगातार समझाए जाने से लोगों को उनके समझाए सफलता की ओर बढ़ जाती है, और किसी न किसी स्तर पर जाके वो लोक अदालत तक उनको राजीनामे के लिए वो प्रेरित हो जाते हैं। अन्यथा क्योंकि राजीनामा योग्य प्रकरण है और छोटे मोटे मामले हैं, इस लोक अदालत में नहीं अगली लोक अदालत तक उनको इस बात को समझने का मौका मिलता है। राजस्व अदालत को भी शामिल किया गया। जी, अब की बार राजस्व लोक अदालत को भी शामिल किया गया है। 2011 के पश्चात रेवेन्यू मामलों की लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन अब की बार पुनः पहली जो 2022 की जो लोक अदालत है उसमें राजस्व न्यायालयों को शामिल किया गया है। न केवल राजस्व न्यायालयों को बल्कि टैक्स बोर्ड को भी, और भी ट्रिब्यूनल्स हैं उनको भी, शिक्षा ट्रिब्यूनल्स को भी, रेवेन्यू बोर्ड को, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटीज को, जितने भी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन सबको अब की बार राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल किया गया है। ये तो एग्जैक्ट आंकड़ा हम क्या है कि जो ही लोक अदालत नज़दीक आएगी उस समय दे पाएंगे, लेकिन दिनों दिन चिन्हीकरण के जो प्रकरण हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और जैसा कि हमने कई बार 8,000 मुकदमों से अधिक जो पेंडिंग मुकदमे हैं उनका चिन्हीकरण किया गया था, और उनमें से हमारे 3,000 के लगभग मुकदमों का निस्तारण हुआ। और प्री लिटिगेशन के जैसे बैंक रिकवरी के मामले हैं जिनमें बैंकों के एनपीए खाते हो गए हैं जिनका वो दावा नहीं कर सकते।